ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲଜିକାଲ କନକ୍ଲୁଜନ କରିବାର କୌଣସି ଇରାଦା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ନାହିଁ। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କର ମାନସିକତା। 40 ବର୍ଷ ତଳେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ତୁଙ୍ଗ ନେତା श्री मनमोहन सामल एवं श्री विश्वभूषण हरिचंदन मंत्री थिले, हेले थरे भी रत्नभंडार ना खोली थिले ना से प्रसंग को उठे थिले। निर्वाचन आसिले कि निर्वाचन रे शोचनीय पराजय जेते बड़े तांकु आखिरे अनाए सेते बड़े सेमाने रत्नभंडार प्रसंग को उठांती। एटा बीजेपी नेतांकर अभ्यास एवं मु एक कथा को बहुत निकटरु देखी कि राजनैतिक फायदा मिलवार जिते बड़े आशा थाए से रत्न भंडार को ओडिशा बीजेपी नेता माने प्रसंग करती। दुर्भाग्यर कथा आज माननीय प्रधानमंत्री यही विषय को ए प्रसंग को पुणि थे उठाई जिते बड़े आसंता जुलाई मसरे रत्न भंडार खोला हवापाई जाऊची सेते बड़े ए प्रसंग को राजनैतिक अस्त्र करके निर्वाचन समय रे व्यवहार करिबा अत्यंत दुर्भाग्यजनक। ओडिशा बीजेपी नेता मानक मनोबल केवल बढ़ेबा पाई कि एटा करा जायची, काले सहानुभूति एथरु तांकु मिलिबो, काले तांकु फायदा मिलिबो, ए उद्देश्य रे एटा करा जायची। 2019 निर्वाचन 2022 रो पंचायत निर्वाचन एवं सबु उपनिर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी ओडिशा शाखा रत्न भंडार को प्रसंग करछि, तार फलाफल कौन हैला हम समस्त जानिचे। ओडिशा वासी सबु बुझंती किए निर्वाचन बेले टूरिस्ट हेकिरी आसी देखा दियंती, तापरे बिल्कुल देखा दियंती नी, एवं किए वर्ष वर्ष धरी ओडिशा वासींको सुख दुखरे साथी है, तांको पाखरे ठिया हेइछन्ती, तांकर सब प्रकार काम करछन्ती, ताहा मध्य ओडिशावासी भलो भाव जानते।